राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय 11। राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय 11। सुलेमान का बिगाड़ और परमेश्वर का क्रोध और सुलेमान की मृत्यु। परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुतरी और पराय स्त्रियों से जो मुआबी, अमोनी, एदोनी, सिदोनी और हित्ती थी प्रीति करने लगा। वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इसराइलियों से कहा था कि तुम उनके मध्य में न जाना और न वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह फेरेंगी। उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया और उसके 700 रानियां और 300 रखेलियां हो गई थी और उसकी इन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। सो जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया और उसका मन अपने पिता दाऊद की नाई अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा न रहा। सुलेमान तो सिदोनियों की अश्तोरेत नाम देवी और अम्मोनियों के मिल्कोम नाम घृणित देवता के पीछे चला और सुलेमान ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है और यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद की नाई पूरी रीति से न चला। उन दिनों सुलेमान ने यरूशलेम के सामने के पहाड़ पर मोआबियों के कमोश नाम घृणित देवता के लिए और अम्मोनियों के मोलेक नाम घृणित देवता के लिए एक एक ऊंचा स्थान बनाया और अपनी सब पराय स्त्रियों के लिए भी जो अपने अपने देवताओं को धूप जलाती और बलिदान करती थी उसने ऐसा ही किया। तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया क्योंकि उसका मन इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था जिसने दो बार उसको दर्शन दिया था और उसने इसी बात के विषय में आज्ञा दी थी कि पराये देवताओं के पीछे न हो लेना। तो भी उसने यहोवा की आज्ञा न मानी और यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुझसे जो ऐसा काम हुआ है और मेरी बंधाई हुई वाचा और दी हुई विधि तूने पूरी नहीं की, इस कारण मैं राज्य को निश्चय तुझसे छीनकर तेरे एक कर्मचारी को दे दूंगा। तो भी तेरे पिता दाऊद के कारण तेरे दिनों में तो ऐसा न करूंगा, परंतु तेरे पुत्र के हाथ से राज्य छीन लूंगा। फिर भी मैं पूर्ण राज्य तो न छीन लूंगा, परंतु अपने दास दाऊद के कारण और अपने चुने हुए यरूशलेम के कारण मैं तेरे पुत्र के हाथ में एक गोत्र छोड़ दूंगा। सो यहोवा ने एदोमी हदद को, जो एदोमी राजवंश का था, सुलेमान का शत्रु बना दिया, क्योंकि जब दाऊद एदोम में था और योआब सेनापति मारे हुओं को मिट्टी देने गया, योआब तो समस्त इस्राएल समेत वहां 6 महीने रहा जब तक कि उसने एदोम के सब पुरुषों को नाश न कर दिया। तब हदद, जो छोटा लड़का था, अपने पिता के कई एक एदोमी सेवकों के संग मिस्र को जाने की मनसा से भागा और वे मिद्यान से होकर परान को आए और परान में से कई पुरुषों को संग लेकर मिस्र में फिरौन राजा के पास गए और फिरौन ने उसको घर दिया और उसको भोजन मिलने की आज्ञा दी और कुछ भूमि भी दी और हदद पर फिरौन की बड़े अनुग्रह की दृष्टि हुई और उसने उसको अपनी साली अर्थात तहपनेस रानी की बहिन ब्याह दी और तहपनेस की बहिन ने गनुबत उत्पन्न हुआ और इसका दूध तहपनेस ने फिरौन के भवन में छुड़ाया। तब गनुबत फिरौन के भवन में उसी के पुत्र के साथ रहता था। जब हदद ने मिस्र में रहते यह सुना कि दाऊद अपने पुरखाओं के संग सो गया और योआब सेनापति भी मर गया है, तब उसने फिरौन से कहा, मुझे आज्ञा दे कि मैं अपने देश को जाऊं। फिरौन ने उससे कहा, क्यों, मेरे यहां तुझे क्या घटी हुई कि तू अपने देश को चला जाना चाहता है? उसने उत्तर दिया, कुछ नहीं हुई तो भी मुझे अवश्य जाने दे। फिर परमेश्वर ने उसका एक और शत्रु कर दिया अर्थात एल्यादा के पुत्र रजोन को। वह तो अपने स्वामी सोबा के राजा हददेजेर के पास से भागा था और
जब दाऊद ने सोबा के जनों को घात किया तब रजोन अपने पास कई पुरुषों को इकट्ठे करके एक दल का प्रधान हो गया और वह दमिश्क को जाकर वही रहने और राज्य करने लगा और उस हानि को छोड़ जो हदद ने की रजोन भी सुलेमान के जीवन भर इस्राएल का शत्रु बना रहा और वह इस्राएल से घृणा रखता हुआ आराम पर राज्य करता रहा। फिर नबात का और सरुआह नाम एक विधवा का पुत्र यरोबाम नाम एक एप्रेमी सरेदाबासी जो सुलेमान का कर्मचारी था उसने भी राजा के विरुद्ध सिर उठाया। उसका राजा के विरुद्ध सिर उठाने का यह कारण हुआ कि सुलेमान मिल्लो को बना रहा था और अपने पिता दाऊद के नगर के दरार बंद कर रखा था। यरोबाम बड़ा शूरवीर था और जब सुलेमान ने जवान को देखा कि यह परिश्रमी है तब उसने उसको यूसुफ के घराने के सब काम पर मुखिया ठहराया। उन्हीं दिनों में यरोबाम यरूशलेम से निकलकर जा रहा था कि शिलोवासी अहियाह नबी नई चादर ओढ़े हुए मार्ग पर उससे मिला और केवल वे ही दोनों मैदान में थे और अहियाह ने अपनी उस नई चादर को ले दिया और उसे फाड़कर 12 टुकड़े कर दिया। तब उसने यरोबाम से कहा 10 टुकड़े ले ले क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि सुन मैं राज्य को सुलेमान के हाथ से छीनकर 10 गोत्र तेरे हाथ में कर दूंगा परंतु मेरे दास दाऊद के कारण और यरूशलेम के कारण जो मैंने इस्राएल के सब गोत्रों में से चुना है उसका एक गोत्र बना रहेगा। इसका कारण यह है कि उन्होंने मुझे त्याग कर सिदोनियों की देवी अश्तोरेत और मोआबियों के देवता कमोश और अम्मोनियों के देवता मिलकोम को दंडवत किया है और मेरे मार्गों पर नहीं चले और जो मेरी दृष्टि में ठीक है वह नहीं किया और मेरी विधियों और नियमों को भी नहीं माना जैसा कि उसके पिता दाऊद ने किया तो भी मैं उसके हाथ से पूर्ण राज्य न ले लूंगा परंतु मेरा चुना हुआ दास दाऊद जो मेरी आज्ञाएं और विधियां मानता रहा उसके कारण मैं उसको जीवन भर प्रधान ठहराए रखूंगा परंतु उसके पुत्र के हाथ से मैं राज्य अर्थात 10 गोत्र लेकर तुझे दे दूंगा और उसके पुत्र को मैं एक गोत्र दूंगा इसलिए कि यरूशलेम अर्थात उस नगर में जिसे अपना नाम रखने को मैंने चुना है मेरे दास दाऊद का दीपक मेरे सामने सदैव बना रहे परंतु तुझे मैं ठहरा लूंगा और तू अपनी इच्छा भर इस्राएल पर राज्य करेगा और यदि तू मेरे दास दाऊद की नाई मेरी सब आज्ञाएं माने और मेरे मार्गों पर चले और जो काम मेरी दृष्टि में ठीक है वही करे और मेरी विधियां और आज्ञाएं मानता रहे तो मैं तेरे संग रहूंगा और जिस तरह मैंने दाऊद का घराना बनाए रखा है वैसे ही तेरा भी घराना बनाए रखूंगा और तेरे हाथ इस्राएल को दूंगा। इस पाप के कारण मैं दाऊद के वंश को दुख दूंगा तो भी सदा तक नहीं। और सुलेमान ने यरोबाम को मार डालना चाहा परंतु यरोबाम मिस्र के राजा शीशक के पास भागा और सुलेमान के मरने तक वही रहा। सुलेमान की और सब बातें और उसके सब काम और उसकी बुद्धिमानी का वर्णन क्या सुलेमान के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? सुलेमान को यरूशलेम में सब इस्राएल पर राज्य करते हुए 40 वर्ष बीते और सुलेमान अपने पुरखाओं के संग सोया और उसको उसके पिता दाऊद के नगर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र रहुबियाम उसके स्थान पर राजा हुआ।